बात करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए में जो है वेरियस पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कई तरह की पोस्ट है, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, पटवारी है, सर्वेयर की है, इसकी वजह से एओ की वैकेंसी है, इस तरह की कई सारे वैकेंसी है, तहसीलदार की भी वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है। तो इस तरह की वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई और इसका आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है डीडीए वेरियस पोस्ट पे, आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सारी जानकारी को समझिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इससे पहले मैंने जो है ऑलरेडी डिटेल में जो नोटिफिकेशन को डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आपको वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे दिल्ली डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या जो है dshelpingforever.com की वेबसाइट पे आके जो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से सारी जानकारी को आप जो है पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कितने पोस्ट है, इसके से क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, यहीं पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे देखिए रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। आप रजिस्टर का ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, और लॉगिन का भी ऑप्शन है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉगिन भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ करते हैं रजिस्टर पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से प्रोसेसिंग होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है, इंस्ट्रक्शन खुलेगा, क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपको उसमें पूछा है कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरियस पोस्ट है, तो जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो है पोस्ट का नाम आप चूज करेंगे, जो भी आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फुलफिल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज करेंगे जिसके लिए आवेदन देना चाहते हैं। इसके बाद से आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करनी है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से कैप्चा भरने का ऑप्शन आएगा, कैप्चा कोड को आपको भरना है जैसे से यहाँ लिखा हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी चला जाएगा, इस तरह से लिख रहा है ओटीपी सेंड यू रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ओके करेंगे। ओके करते ही आपको क्या करना है, यहाँ ओटीपी को लिखना है और वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद से यहाँ नीचे आपको एग्री का ऑप्शन मिलेगा, एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को अगेन भरना है और रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही आपने जो भरा है वो जानकारी यहाँ शो होता है, इन चारों बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद से सबमिट बटन आ जाएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से जो है प्राइवेसी आएगा। एग्री करना है, एग्री करते ही आपको ओके करना है। अब आपका फॉर्म देखिए फाइनल सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल चुका है, इसे आप क्लोज करेंगे। यहाँ देखिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर शो हो गया है, सारा चीज शो हो गया, आपका पोस्ट का नाम भी शो हो रहा है कि इस पोस्ट पे अप्लाई किया है। यहाँ कॉर्नर पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और देखिए जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो तुरंत जो है आपको मोबाइल और ईमेल पे जो है इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भेज दिया जाएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड भी रहेगा। आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से प्रोसेसिंग होगा, थोड़ी देर आपको वेट करना जब तक कि 100% पहुंच जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े इस तरह से वीडियो लाने के लिए। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ आपको सबसे पहले बताना है जेंडर, कौन से जेंडर से आप आते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ आपको नेशनलिटी बताना है, आपका नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन सिटीजन यहाँ चूज कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है, इतना से इतना के बीच, तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ से कैटेगरी अपना चूज करेंगे कि जनरल है, ईडब्ल्यू से ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी किस कैटेगरी से आप आते हैं उसको चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आप जो यहाँ पे जनरल से आते हैं तो आप यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अगर आप जो है ईडब्ल्यू से आएंगे तो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और कब आपने बनवाया था ये आपको मांगा। ओबीसी वालों को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मांगा, एससी एसटी को भी यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना जानकारी देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बतानी है, रिलीजन बतानी है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या है। इसके वजह से यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आपको शो होता है। फिर आपको नीचे आनी है, यहाँ पे आपको जो है टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस देना है, तो दिल्ली एनसीआर में ही आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है, जॉब लोकेशन दिल्ली में है, दिल्ली राज्य की है। अब यहाँ पूछ रहा है विकलांग है 40% से, अब तो हाँ करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे किस तरह के विकलांग नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है आप एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करेंगे तो नो करेंगे। डिपार्टमेंटल इंप्लॉय कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस दिए हैं गवर्नमेंट में तो हाँ करेंगे। एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइन डेट और यहाँ पे इस तरह से टोटल सर्विस आ जाएगा, नहीं है तो नो कर देंगे और उसके से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे अपना कोरोस्पेंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना, यहाँ पे विलेज, पोस्ट, थाना, इसके से कंट्री यहाँ चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा, पिन कोड लिखेंगे। ये पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कोरोस्पेंडेंस की तरह, यहाँ टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा।
अगर नहीं है तो नो करके मैनुअली भी आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस अलग और प्रेजेंट एड्रेस अलग आपको भरना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का जो एड्रेस होता है फ्लैट गली नंबर मकान से वो अच्छे से यहाँ लिखेंगे, जैसे आपके एड्रेस अच्छे से लिखेंगे उसके वजह से आप सेवन एक्स करेंगे। सेवन एक्स करते ही अगले स्टेप में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होगी। यहाँ सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको भर देना, जैसे बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया, पासिंग ईयर आपका क्या रहा मैट्रिक का, इंस्टीट्यूट का नाम जहां से आपने पास किया, प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, इसमें आपका परसेंटेज है दसवीं में तो परसेंटेज चूज करेंगे और मार्क्स ऑब्टेंड और मैक्सिमम मार्क्स कितना का था परसेंटेज आ जाएगा। जैसे आप देखिए मैक्सिमम और मैं यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क्स 320 भर देता हूँ और मैक्सिमम 500 का था, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको भरना है। सीजीपीए तो सीजीपीए चूज करेंगे और सीजीपीए के अकॉर्डिंग आप जानकारी वहाँ पे भरेंगे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह क्या है, जिनको सीजीपीए है उनको पता होगा ये सब क्या होता है। अब यहाँ पे आता है इंटरमीडिएट की जानकारी। देखिए जो भी आप पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट में जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मतलब मांगा गया है उस क्वालिफिकेशन को आपको भरना मैंडेटरी होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप जेएससी के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो जेएससी में 12वीं पास है तो 12वीं यहाँ पे देखिए मांग रहा है दसवीं और 12वीं की जानकारी। ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं, अगर आप किए तो भरिए वरना इसे छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा है, यहाँ देख रहे ना, तो जहां भी स्टार मार्क्स लगा रहता है वो सब भरना कंपलसरी होता है और जहां स्टार मार्क्स नहीं लगा रहता है वो सब भरना कंपलसरी नहीं रहता है। अगर है तो भरिए और नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप जो है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आवेदन देना चाहते हैं सिविल के लिए, तो आपको डिप्लोमा मांगेगा तो यहाँ डिप्लोमा की जानकारी खुल के आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ आएगा दसवीं बारहवीं भी आएगा लेकिन मैंडेटरी नहीं रहेगा और यहाँ पे आपको डिप्लोमा की जानकारी भरने का ऑप्शन आएगा, इस तरह से आता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगे हैं वो भरिए और एक्स्ट्रा है तो उसको भर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, अगर है तो भरिए नहीं तो छोड़िए। स्किल टेस्ट आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, देखिए मैं जो पोस्ट पे फॉर्म भर रहा हूँ वो है मेरा यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो यहाँ पे या तो इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो वो पूछ रहा है कि आप जो टेस्ट देंगे स्किल का वो इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेवन एक्स करेंगे, सेवन एक्स करते हैं अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट करनी है, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ साइज भी बोला गया है कि 50 से 80 के बीच होना चाहिए और साफ सुथरा फोटो आपको अपलोड करनी है कलर पासपोर्ट साइज, इसके वजह से यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 50 से 80 के बीच बोला गया है। यहाँ पे आपको जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या मार्क्स दोनों में से कोई एक आप अपलोड करेंगे और ये बोला गया जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं एंड पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं और 300 केबी से कम होना चाहिए, 100 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। फिर 12वीं की यहाँ पे जो सर्टिफिकेट या मार्क्सिट, अगर आप ग्रेजुएशन की जानकारी भरे हैं तो इसको अपलोड कर सकते हैं, इसे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे भी स्टार मार्क्स नहीं लगा है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है भरना। देखिए तीनों जो है आपको भरना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क्स तीनों में लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ डिग्री बोला गया है, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन तो बोला गया है। अब कैसे अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे भी गाइडलाइंस दिया हुआ है फोटोग्राफ का कैसे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, जो भी आपका फोटोग्राफ है उसको आपको चूज करना है, जो भी फोटोग्राफ है ओपन करेंगे यहाँ, जो कि मान लीजिए गाइडलाइंस में नहीं रखेंगे 50 से 80 के भी मांग रहे हैं तो उस गाइडलाइंस में नहीं रखेंगे फोटो आपको अपलोड नहीं होगा और व्हाइट बैकग्राउंड बोला गया फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। तो देखेंगे अपने अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, मैं यहाँ पे बता दिया, इस तरह से सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे, मार्कशीट को भी अपलोड करेंगे, इस तरह से अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फी दिखाएगा कितना रुपया आपको एप्लीकेशन फी देना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, फी के बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये, बाकी एससी एसटी को और ऑल फीमेल कैटेगरी को 0 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पे लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है चारों बॉक्स को, एग्री कर लेना है, फिर कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपको दिखा देगा कि जो भी अपने जानकारी भरा है वो सब चीज सही है, अगर उसमें कुछ भी गलती है तो सुधारिएगा बैक जाके, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर जाएगा, पेमेंट जमा करेंगे और जो भी आपका पेमेंट लग रहा है पेमेंट जमा करने के बाद से इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया डीडीए में जो वेरियस पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट